चुनाव कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन कुछ महीनों पहले हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने सपा को झाड़ कर वोट दिया था, जिससे अखिलेश यादव को दोबारा यूपी की सत्ता मिल सके। मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट भी अखिलेश को सत्ता नहीं दिला पाया और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता संभाली। इस चुनाव को अभी ठीक से 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव आ गया और इस उपचुनाव में योगी ने सपा को ऐसा डबल झटका दिया कि तमाम मुसलमानों का जैसे सपा से भरोसा ही उठ गया। जिन मुसलमानों ने सपा को समर्थन दिया था वही मुसलमान अब सपा को कोसने लगे। आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने जहां भगवा लहरा दिया तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ भी अखिलेश यादव के हाथ से निकल गया। इस सीट से अखिलेश ही नहीं मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन धर्मेंद्र यादव अखिलेश और मुलायम की तरह जीत हासिल नहीं कर पाए और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से चुनाव हार गए। वैसे तो ये महज 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सपा से मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी ने तो उपचुनाव नतीजों पर बयान जारी करते हुए कहा, रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे साबित करते हैं कि सपा अपना तथा कथित गढ़ और किला दोनों गवा चुकी है, क्योंकि नई सपा ना तो खुलकर मुख्य विपक्षी दल का रोल अदा कर पा रही है और ना ही खुलकर अपने बुनियादी वोटर्स के साथ खड़ी हो पा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट अक्सरियत में लेने के बावजूद मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश रहने वाली सपा को इस इलेक्शन में मुसलमानों ने अपनी खामोशी और बेरुखी से एक पैगाम दे दिया है कि बहुत दिन तक मुसलमान गूंगी बहरी सियासी कयादत का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाने वाला है, बल्कि वो अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जद्दोजहद करने को तैयार है। अखिलेश यादव ने चुनावी नतीजों के बाद जब ट्वीट कर बीजेपी की क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की तो उनके ट्वीट पर भी मुस्लिम समाज के लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। दरअसल अखिलेश ने चुनाव में मिली हार के बाद लिखा था, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बदल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जन प्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। अखिलेश यादव के ट्वीट पर शेख महमूद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, रोना छोड़ें, हार स्वीकार करें, अपनी कमियों पर नजर डालें, आजमगढ़ में कोई नेता नहीं था क्या जो फलानी जगह से नेता इंपोर्ट किया गया था, आजमगढ़ को अपनी प्रॉपर्टी समझना छोड़ दें, धन्यवाद। ट्विटर यूजर राजन सईद ने लिखा, तो निकलो रोड पर, आओ अदालत जाओ, धरना प्रदर्शन करो, लोकतंत्र को बचाओ, सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, भाजपा मजबूत नहीं है, विपक्ष कमजोर है। मोहम्मद बिलाल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अपने प्रत्याशियों के लिए आपने कितनी जनसभाएं की, एक भी नहीं, अब घर बैठे चुनाव जीतने के दिन लद गए, अब भी एसी रूम से निकल जाएं तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो बसपा जैसा हाल होने वाला है आपका, यादवों ने खूब वोट किया है बीजेपी को। ट्विटर यूजर सैयद अबू बकर अली ने लिखा, अखिलेश सर आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ मुस्लिम वोट पर होती थी, अब आपका सब यादव समाज मोदी के साथ है और अब यूपी का मुसलमान समझ गया। ओवैसी साहब सही कह रहे थे, आप सिर्फ मुसलमान का वोट लेते हो, उनके मसले पर कुछ नहीं बोलते। सपा के चुनाव हारने के बाद लोगों को बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी समझाने चले अखिलेश यादव को ऐसे तमाम मुस्लिमों ने कुछ इसी तरह से नसीहत दी, जो बता रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के नतीजों के बाद मुस्लिम समाज किस कदर सपा से नाराज हो गया है, जो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि आपको ये भी बता दें, यूपी का मुस्लिम समुदाय अगर सपा से नाराज होता है तो बीएसपी के पास जाता है और बीएसपी से नाराज होता है तो सपा के पास आता है, और इस बार लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय कहीं बीएसपी की ओर रुख ना कर लें, क्योंकि इससे पहले साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी मायावती दलित मुस्लिम ब्राह्मण के समीकरण से सत्ता हासिल कर चुकी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि सपा से नाराज मुस्लिम समाज को बीएसपी अपनी ओर मोड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं।